हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा, आज हम क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो उसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी हम बेटा हम बात करेंगे आज किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होती क्या है, ठीक है, कहाँ पर ये होती है, साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे मेल्स के अंदर, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कौन कौन सी फेज होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलो आइए स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस हमारा गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, किसका, गैमिट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या कहता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अभी जो गैमेट्स होती हैं, दिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम और डिराइव्ड फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स और प्रिमिटिव सेक्स सेल्स। जिनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, या फिर कहते हैं प्रिमिटिव सेक्स सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव सेक्स सेक्स सेल्स होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पीजीसी। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम पीजी ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट। जब फिटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो चौथा जो वी हफ्ता होता है डेवलपमेंट का, उस दौरान इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स से क्या होता है, जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उनसे होता है हमारा। ठीक है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं एट द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है जो फिटस का डेवलपमेंट होता है दौरान जो पीजीसी बनते हैं, इनसे क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो पीजीसी है, ठीक है, जो पीजीसी है, पीजीसी क्या है, योक सैक में अपेयर होती है, और एट द टाइम ऑफ फिटस डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, उस दौरान जो प्रिमिटिव सेक्स सेल्स है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये योक सैक के अंदर क्या हमारे त्रिवेणा, योक सैक जो होता है वहाँ, उनसे क्या है, अगर जब पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि योक सैक क्या होता है। ठीक है, तो परम जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं तो योक सैक में बनते हैं, और ये गोनाइड्स के अंदर डेवलपिंग गोनाइड्स हैं, जैसे कि टेस्टीज हैं मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या ओवरीज होती हैं, उनके अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल्स जो बन के वहाँ से, या प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हमारे जो बनते हैं, वो बनकर क्या है, जो योक सैक के अंदर बनते हैं, और वहाँ से माइग्रेट करके वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके अंदर, गोनाइड के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, अंडर को माइटोटिक डिविजन्स, इसके अंदर क्या होती है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या माइटोटिक डिविजन होती है, और उनका नंबर क्या है, लगातार बढ़ता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। ठीक है, डेवलपिंग गोनेड के अंदर जाने के बाद क्या है, वहां पर इनके अंदर माइटोसिस हमें देखने को मिलती है, माइटोसिस के कारण उनको क्या होता है, इसका जो नंबर होता है, इनका नंबर लगातार क्या है, इंक्रीज होता चला रहता है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो हम बात करें दोबारा से कि डेफिनेशन की बात करें गैमेटोजेनेसिस की, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ प्रीमोर्डियल और प्रीमिटिव जर्म सेल्स एंड देयर मैच्यूरेशन इंटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है बेटे यहाँ तक। जो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रिमोर्डियल और प्रिमिटिव जो जर्म सेल्स होते हैं, इनका क्या होता है, कन्वर्सन होता है, और उनका मैच्यूरेशन होता है किन के अंदर, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो कहलाती है ऊजेनेसिस। क्या कहलाती है? ऊजेनेसिस कहलाती है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ पर होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, इन द टेस्टिस। वाइल जो ऊजेनेसिस, इट टेक्स प्लेस इन साइड द कोटेक्स ऑफ द ओवेरी, इन साइड द कोटेक्स ऑफ द ओवेरी। ठीक है, क्लियर। टेस्टिस के अंदर कहाँ पर होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, और फीमेल्स के अंदर क्या जो कोटेक्स होता है, ओवेरी के बाहरी जो स्ट्रक्चर था, हमने पढ़ा था ओवेरी का स्ट्रक्चर, तो बाहर वहाँ आपने देखा होगा कोटेक्स वाले हिस्सों में काफ़ी सारे क्या हुआ स्टेजेस आपको देखने को मिली थी, किसकी, ग्राफिन फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही थी, इसके डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आपने उसको देखा था, डिफरेंट फॉलिकल्स को। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, ऊजेनेसिस होती है कॉर्टेक्स वाले से। तो अब बात करते हैं कि ऐसे
कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग ए गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है, इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, चार इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मेशन एंड माइग्रेशन ऑफ पीजीसी एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट होता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का बनना होता है, फिर उनका डिफरेंशिएशन होता है किसके अंदर, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा। अगर मेल्स की बात होगी तो वहाँ पर मेल सेक्स सेल्स बनेंगे हमारे, और यहाँ पर फीमेल्स की बात होगी तो फीमेल सेक्स सेल्स बनेंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ये पीजीसी बने, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, प्रिमोर्डियल जो जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, बनने के बाद ये लगातार डिवाइड करते हैं इनके अंदर क्या है, ठीक है, लगातार क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। इन जर्म सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, माइटोसिस देखने को मिलती है, जिसके द्वारा वो अपना नंबर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या होता है, उनमें से कुछ जर्म सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, मियोटिक रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है डीएनए के अंदर। जो डीएनए होता है जर्म सेल्स के अंदर वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो उसके बाद जो इवेंट होता है हमारा क्या होता है, तो हमें क्या करना है, जो गैमेट्स हमारे कैसे होंगे, गैमेट्स हमारे हैप्लॉयड होते हैं, तो इनका जो डीएनए कंटेंट होगा इनको तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये रिडक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के द्वारा डीएनए और जो क्रोमोसोम है इनका कंटेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इन द जर्म सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो जर्म सेल्स हमारे में बने थे, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन होगा एंड मैच्योरेशन होगा जर्म सेल्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करके और मैच्योर करके क्या है, जर्म सेल्स बना देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्स के अंदर तो स्पर्म्स की बात हो रही है, और फीमेल्स के अंदर किसकी बात हो रही है, ओवियम की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंट जर्म सेल्स होते हैं या फिर मियोसिस, इनका जो डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है। ये जर्म सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और फिर बाद में मैच्योर करके क्या है, मैच्योर जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ मेल्स इट इज कन्वर्टेड इन टू द स्पर्मेटोजोन, और बात करें इन द केस ऑफ फीमेल्स इट इज कन्वर्टेड इन टू द ओव्यूम, डिफरेंशिएट करके मैच्योर करके ये क्या है, ओव्यूम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो पहली जो फेजेस है वन एंड टू, ये क्या कॉमन होती हैं बोथ इन द केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मगर जो थर्ड एंड फोर्थ जो फेज है ये दोनों के अंदर क्या करती है बेटा, इनका टाइमिंग और इनका जो पैटर्न क्या होता है, इनका स्कोर डिफर करता है। दोनों क्या है, डिफरेंस दोनों क्या है, अलग अलग होती है। मेल्स के अंदर अलग होता है इनका जो टाइमिंग और इनका जो पैटर्न, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, अलग होता है। थर्ड एंड फोर्थ इवेंट की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो आइए चलिए हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो हम मेल्स की बात करें तो ये फॉर द प्रोसेस फॉर मेच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेल गैमेट्स का मैच्योरेशन होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जर्म सेल्स के द्वारा क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, उसे ही कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टू द कन्वर्सन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या, काफ़ी सारे आपको क्या है चेंजेस देखने मिल चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया फाइनली क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मेल की बात करें, इन द मेल द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान ही क्या है, ये प्रोसेस का जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और ये किस एज में होता है, प्यूबर्टी की एज में होता है। प्यूबर्टी की एज क्या है, 12 से 16 साल। ठीक है, जो एज होती है प्यूबर्टी की एज, उसी दौरान क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और वो प्यूबर्टी की एज कौन सी होती है, 12 से 16 साल के बीच में। ठीक है, इन द केस ऑफ मेल्स, और लगातार ये चलती रहती है अप टू द ओल्ड एज, बुढ़ापे तक लगातार चलती रहती है। फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, फीमेल्स
फीमेल्स के अंदर ही क्या है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द वर्म, तो वहाँ पर क्या होता है, जो जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, और प्यूबर्टी के बाद जो प्यूबर्टी की एज आती है उस दौरान उनका मेच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद क्या है, ये सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है किसका, ओवम का, ठीक है, इन द केस ऑफ फीमेल्स। मगर मेल्स में क्या होता है, लगातार ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, ठीक है। अपने अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग साइज के देखने को मिलेंगे, और उनकी शेप भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, ठीक है। उनकी शेप भी क्या होगी, उनका साइज और शेप क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर हम सेमिनिफेरस का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं या माइक्रोस्कोप के इनको देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे सेल नजर आएंगे जिनके साइज और शेप क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। और जितने भी ये सेल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जितने भी सेल्स हम देखने को मिलेंगे अलग अलग शेप देखने को मिलेगा, अलग अलग साइज देखने को मिलेगा, ये हमें क्या बताता है कि जो स्पर्मेटोजोआ का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग विभिन्न जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट जो स्टेजेस के अंदर आपके हमें, हाँ, स्टेजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्मेटोजोआ। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जो बिल्कुल अलग होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है, जैसे कि सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या कुछ सर्टोलाइज सेल्स देखने को मिलेंगे जिनका स्ट्रक्चर और क्या शेप हमें अलग देखने को मिलती है। इसका मेन काम क्या होता है, जो अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ठीक है, यानी कि जर्म सेल जो बन रहे होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, एक तरह का नर्शिंग का काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं सर्टोलाई सेल्स, ठीक है बेटा। अब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की मैंने बात करें तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं बेटा, तीन स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। पहली आपकी है स्पर्मेटोसाइटोसिस, दूसरी आपकी मियोसिस होती है, थर्ड आपकी क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो तीन स्टेजेस के अंदर हमें देखने को मिलती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। पहली आपके क्या है, आपके क्या प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है, फेज होती है। सेकेंड फेज आपकी ग्रोथ फेज कहलाती है। थर्ड फेज क्या कहलाती है, आपके मेच्योरेशन फेज कहलाती है, जिस दौरान क्या है, जो स्पर्मेटोजोआ क्या है, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पहली जो फेज है यहाँ पर स्पर्मेटोसाइटोसिस, ठीक है, इसे हम प्रोलिफरेटिव स्टेज भी कह देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कह देते हैं। जो सेकेंड फेज यहाँ पर हमने बात कर रखी है मियोसिस की, इसे हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की, ये आपकी क्या है, मैच्योरेशन फेज होती है, ठीक है, जिस दौरान जो स्पर्मेटोजोआ होता है जो क्या है, लो मैच्योर हो जाता है इस फेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिल रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, जर्मिनल एपिथीलियम है, और जर्मिनल एपिथीलियम में आपको क्या, स्पर्मेटोगोनियम आपको देखने को मिल रहा है। स्पर्मेटोगोनियम के अलावा स्पर्मेटोगोनियम से हमारा क्या है बना, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिल रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिल रहा है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपको क्या, स्पर्मेटिड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पर्मेटिड के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिल रही हैं एट द ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। ये डिफरेंट स्टेज आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन सा सेल्स देखने को मिलेगा, मैं इस सेल की बात करूँ बेटा, दिस सेल, दिस इज द सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है, सर्टोलाइज सेल्स होते हैं जो कि जो डेवलप्ड आपका जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड जो बन चुका है, इसको मैच्योर करने का काम करते हैं, इनको क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, एनाफेज की स्टेज यहाँ पर दिखाई दे आपको देखने को मिल रही है। साथ में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर आपको क्या है, मेटाफेज की स्टेज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या, जो हमने बात करी थी कि डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट जो सेल्स हैं और उनकी शेप भी क्या, सबके अलग अलग है,
वो हमें देखने को मिल रही है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और कुछ सेल्स जैसे कि हम डिस्कस किया था कि कुछ सेल्स अलग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो जैसे कि आपका कौन सा हो गया, सर्टोलाइट सेल्स, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो आइए हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस, या फिर कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोसिस या फिर मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दे गेट्स कन्वर्ट इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे नाम बता रहा है मल्टीप्लीकेशन फेज है, तो इस दौरान क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, यहाँ पर अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये क्या इनके अंदर क्या इनसे क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है स्पर्मेटोसाइटोसिस की, इसको 16 दिन लगते हैं, और इसके अंदर क्या लगातार माइटोटिक डिवीजन होती रहती है, लगातार क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन्स होती रहती हैं, और लगातार क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली स्पर्मेटोसाइटोसिस के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे तो उनसे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, जिसे सेल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। इन स्टेम सेल्स से आपको क्या है, ग्रोथ होने के बाद कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स और बनेंगे, कुछ नए सेल्स और बनेंगे, लगातार बनते रहेंगे, और इन सेल्स को कहते हैं हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, इन्हें क्या कहते हैं हम, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, प्राइमरी जो जर्म सेल्स हैं, इनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद इनके अंदर डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स होने के कारण इनसे क्या मिलेगा हमें, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा। अब ये जो टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है, इट स्टार्ट्स द बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनते ही क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस बनने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बात क्या हुई, स्पर्मेटोसाइटोसिस के अंदर क्या हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और इनके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इनके अंदर हमें क्या लगातार क्या है, माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, लगातार हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन, जो प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन स्पर्मेटोगोनियल सेल से क्या होता है, ये भी क्या लगातार डिवाइड करके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो बना, इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बनेगा ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन। अब ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बना, अब ये क्या करेगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया था, इसके अंदर क्या होगा बेटा, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, लगातार क्या होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करके कुछ अपने जैसे ही और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाएगा, ठीक है, अपने जैसे और सेल्स बनाएंगे, इन्हें कहते हैं क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं क्लोन ऑफ सेल्स, अपने से क्या सेल्स बनाएगा, और इनमें से जो लास्ट डिवीजन होगी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर, वो क्या बनाती है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, क्या बनाती है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाती है। और टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये फाइनली कन्वर्ट होता है, डेवलप करता है किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात किया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना बेटा हमारा, डिवाइड करके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बना बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फर्दर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिविजन्स एक क्लोन ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, इनमें से जो एक लास्ट डिवीजन होगी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की, उससे क्या बनेगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ही क्या बनाएगा, माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया या टाइप ए स्पर्मेटोसाइट्स जो बचे, ठीक है, ये स्टेम सेल्स का काम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, स्टेम सेल्स का काम करेंगे, ठीक है। इनके अंदर से ही क्या है, दोबारा से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया का,
क्लियर है बेटा ये? ठीक है, टाइपिस पर तो गुने का लगातार क्या है, डेवलपमेंट होता रहेगा। जैसे लिखा भी यहाँ पर है, जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है आर रिजर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। इनसे फर्दर क्या है, दोबारा क्या है, टाइप बी सेल्स बोलते हैं, और वो टाइप बी सेल्स क्या करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो भी क्या होता है, 2n होता है। क्या होता था, 2n होता है, ठीक है। टाइप ए सेल्स, टाइप बी सेल्स का भी प्लॉइडी लेवल क्या होता है, 2n होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का भी क्या होता है, 2n होता है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या हो रही है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात होगी आपकी स्पर्मेटोसाइटोसिस की। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज में क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होते हैं, इसे हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्पर्मेटिड के अंदर क्या होता था, कन्वर्ट हो जाता है। और इस फेज को लगते हैं 24 दिन, ठीक है। पहले वाली फेज में कितने लगे थे, 16 दिन लगे थे, और इस फेज में लगता है कितना है, 24 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ से क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना था, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर क्या होती है, म्यूटिक डिवीजन होती है। म्यूटिक डिवीजन, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था क्या होता था, 2n था। अब हमें क्या करना है, जो जो ग्रोथ फेज होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट के अंदर ग्रोथ होगी, वो साइज में इंक्रीज करेगा। साइज में इंक्रीज करने के बाद उसके अंदर क्या होगी, म्यूटिक डिवीजन होती है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होने के कारण वहां पर क्या होता है, जो रिडक्शन होती है, जो रिडक्शन इन द क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। जो क्रोमोजोम नंबर का क्या है, रिडक्शन होती है और वो हाफ हो जाता है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, आफ्टर म्यूटिक डिवीजन दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना हमारा किसके अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, साइज में बढ़ा, उसके म्यूटिक म्यूसिस हुई। म्यूसिस होने के कारण उसका जो क्रोमोसोम नंबर था क्या, वो हाफ हो गया, और उससे क्या बने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हर एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके पास क्या होंगे, 22+X या फिर 22+Y क्रोमोसोम, ठीक है। जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, एक के पास क्या मिलेगा आपको, 22+X वाला आपका क्रोमोसोम मिलेगा, और एक की तरफ क्या मिलेंगे, 22+Y क्रोमोसोम में देखने को, क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या फर्दर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होती है, और माइटोटिक डिवीजन होने के कारण ये क्या है, हर एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो बने थे, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्या होगी, फर्दर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, और दोनों से क्या होंगे, दो दो क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं, क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे कितने सेल्स आपके स्पर्मेटिड बने बेटा, चार बने। कितने बने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, सॉरी सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट थी उससे कितने बने हमारे, चार स्पर्मेटिड बने। क्लियर है बेटा? अब यहां पर क्या हुआ, ये जो चार जो स्पर्मेटिड बने, ठीक है। अब जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट थे, इनके अंदर क्या, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगी, ठीक है। इनके अंदर क्या हो, सेकेंड म्यूसिस टू होगी। म्यूसिस टू के होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, टू स्पर्मेटिड यानी कि फोर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। कितना, फोर स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होती है, एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। यानी कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ, दो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, और दोनों के अंदर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ क्या थे बेटा, क्रोमोजोम थे, ठीक है। सेकेंड यानी कि म्यूसिस टू जो थी हमारी क्या थी, वो इक्वेशनल डिवीजन थी, जिससे क्या है, चार स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है, माइटोसिस हुई। माइटोसिस से क्या होना, दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया हमने, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए क्या करते हैं, जो टाइप ए से हमारे क्या बनता है, टाइप बी बनता है, और टाइप ए हमारे क्या एज ए रिजर्व सेल काम करते हैं फर्दर टाइप बी सेल्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या, टाइप बी सेल्स के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर म्यूसिस होगी। म्यूसिस होने के कारण ये क्या होगा, जो आपको दो सेल्स बनेंगे जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब टाइप बी सेल्स फर्दर ग्रोथ कर क्या बनाता है बेटा, टाइप बी सेल्स के अंदर फर्दर ग्रोथ हुई तो क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ करके क्या बनाता है, सेकेंडरी। इसके अंदर क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस होने के कारण
सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या होती है, फर्दर म्यूसिस होती है, और जो क्या है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जिनके अंदर क्या है क्रोमोसोम नंबर का हाफ हुआ। तो ये अपनी कौन सी थी, ग्रोथ फेज है हमारी। ठीक है, ग्रोथ फेज है, चल रही है हमारी, और या फिर कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, ग्रोथ फेज से हमारी कौन सी हमारी म्यूटर डिवीजन। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर फिर क्या है, फर्दर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से म्यूसिस टू होती है। म्यूसिस टू होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर दो आपको हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। दो स्पर्मेटिड का क्या करेगा बेटा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ फेज। ठीक है, अब जो थर्ड जो स्टेज है यहाँ पर हमारी, ये कहलाती है जो स्पर्मेटोजोवा का जो फॉर्मेशन कहलाती है आपकी मैच्योरेशन फेज। क्या कहलाती है, मैच्योरेशन फेज, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो थर्ड फेज के बारे में बात करेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस होती क्या है। अब जो स्पर्मेटिड बने थे बेटा ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, अब इसके अंदर क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है। डिफरेंट ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। ठीक है, जो स्पर्मेटिड बने थे ये क्या जाएंगे, डिफरेंशिएशन होगा इनके अंदर, इनके अंदर मैच्योरेशन होगा। ठीक है, और ये गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ एंड इट टेक 24 डेज। ठीक है, 24 डेज लगते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर भी। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड ग्रेजुअली चेंजेस इट्स शेप टू बिकम ए स्पर्मेटोजोन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, या फिर एक नाम और है स्पर्मेटियोलियोसिस, स्पर्मेटियोलियोसिस। ठीक है, इस बात को भी नोट डाउन कर लेना बेटा कि स्पर्मेटियोलियोसिस क्या होती है, ये टर्म पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, खास नीट की बात हो रही है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजून फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटियोलियोसिस। ये फाइनल स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होती है, जो स्पर्मेटिड होते हैं मैच्योर करके क्या बनाते हैं, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटियोलियोसिस। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजोआ है फर्दर मैच्योर कर क्या कहलाते हैं बेटा, स्पर्म्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहलाते हैं। फुली मैच्योर्ड जो स्पर्मेटोजोआ होता है क्या कहलाता है, स्पर्म्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक जो स्पर्मेटोगोनियम है, फाइनली एक स्पर्मेटोगोनियम से हमें कितने स्पर्म्स देखने मिले, चार स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद, यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन होने के बाद, वो क्या करते हैं, अपना जो हेड होता है, ठीक है, यानी स्पर्म्स का जो हेड होता है ये अपना हेड को घुसा देते हैं सर्टोलाइज सेल्स के अंदर। ठीक है, ताकि फर्दर उनको क्या लगातार क्या न्यूट्रिशन मिलते रहे, और उनको फर्दर क्या मैच्योरेशन होने में उनको हेल्प मिलती रहे। और फाइनली क्या होता है, वो सर्टोलाइज सेल से क्या है, रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है रिलीज ऑफ मैच्योर्ड स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोलाइज सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्म्स बनने के बाद कुछ समय तक क्या है, जो स्पर्म्स क्या होते हैं वो जुड़े होते हैं किसके साथ, सर्टोलाइज सेल्स के साथ। अपना हेड घुसाया होता है उनके अंदर, किसके अंदर, सर्टोलाइज सेल्स के अंदर, ताकि फर्दर उनके अंदर मैच्योरेशन होते रहे, उनके क्या फर्दर क्या ग्रोथ उनकी होती रहे। और फाइनली क्या है, वहां से वो रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है रिलीज होने का, स्पर्म्स के रिलीज होने का फ्रॉम सर्टोलाइज सेल से, उसको कहते हैं स्पर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेशन। ठीक है, जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड के अंदर क्या है, दीज आर द मोर और लेस सर्कुलर सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस। इसमें क्या है, स्पर्मेटिड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, गोल्गी एपरेटस में देखने को मिलता है, सेंट्रोल में देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जितने भी ये कंपोनेंट हैं, ठीक, जितने भी कंपोनेंट हैं सारे सारे क्या है, स्पर्मेटोजोन के फॉर्मेशन में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे क्या होता है, न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या है, मॉर्फोजेनेसिस में देखने को मिलती है, न्यूक्लियस के अंदर चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी शेप में हमें चेंज देखने को मिलता है, साथ ही उसके अंदर कंडेंसेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या है, कंडेंसेशन हमें देखने को मिलती है, उसका साइज क्या होता है, काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का। फिर क्या देखने को मिलता है हमें, फॉर्मेशन ऑफ टेल, टेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और जितने भी जो ऑर्गेनलीज थी हमारी, ठीक है,
स्पर्मेटो जून के अंदर जो इनका इनका क्या था, रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, ठीक है, इनका हमें क्या है रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है इनसाइड द स्पर्म। और इसके अलावा जो क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा इसका खत्म हो जाता है, इसका रिमूवल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म का जो क्या होता है स्पर्म स्पर्मेटोजून के अंदर से क्या था रिमूवल हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता है, ताकि ये क्या उसके ये एक्टिवली क्या स्विम कर सके, साइज बड़ा होगा तो क्या एक्टिवली स्विम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का जैसे कि अनुवाद के कंडेंसेशन होता है न्यूक्लियस का, और इसका मूवमेंट होता है एक पोल की तरफ हेड की तरफ, जो हेड बनाने का काम करता है, ठीक है। इन द स्पर्मेटोजून न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है, और इसके एक साइड में क्या है वो एक पोल की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है, और वो पोल क्या बनाने का काम करता है, हेड बनाने का काम करता है। जो न्यूक्लियस इस हिस्से में जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका हेड कहलाएगा, ठीक है। फिर गोल्गी एपरेटस की अंदर बात करें, तो गोल्गी एपरेटस ट्रांसफॉर्म इनटू द एक्रोसोमिक कैप, जो गोल्गी एपरेटस होता है वो एक्रोसोमिक कैप बनाने का काम करता है, यानी कि एक्रोसोम बनाने का काम करता है, क्या बनता है एक्रोसोम बनाने का काम करता है, ठीक है। जो एक्रोसोमल कैप जो कैप होती है ये 2/3 ऑफ न्यूक्लियस, दो तिहाई न्यूक्लियस को क्या करती है कवर कर लेती है, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर एक्रोसोम की कैप आपको देखने को मिलेगी इन द स्पर्म, ठीक है। अब सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम क्या होता है, ये डिवाइड करके दो सेंट्रल डिवाइड करके दो पार्ट्स बनाता है, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक बनता है हमारा कौन सा, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। एक हमारा कौन सा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, और एक हमारा कौन सा डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट पीछे होता है, एक जो नेक रीजन होता है क्रोमोसोम का, सॉरी ये स्पर्म का, उस रीजन में क्या आपको देखने को मिलता है क्या, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। अब डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें, डिस्टल पर जो एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिडिल पीस का जो डिस्टल पार्ट होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है डिस्टल सेंट्रियोल देखने को मिलता है। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं मेनली दे आर कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ द, ठीक है, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं दीज आर दीज सेंट्रियोल्स। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आपको मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है, अपने आपको कंसंट्रेटेड करता है इन द केस इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, ठीक है, इस तरह की स्पाइरल शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। जो पार्ट ऑफ द एग्जिट फिलामेंट है बिटवीन द नेक एंड द एन्यूलस बिकम्स द सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। जो नेक भाई ये अगर हम स्पर्म का अगर रफ डायग्राम अगर फिगर भी देखेंगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे, भाई ये नेक है और ये मिडल पीस है, आगे हमारी क्या है टेल स्टार्ट हो जाती है, आगे हमारी टेल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, सॉरी जिसे कहते हैं एनुलस कहते हैं। इस एनुलस और ये जो नेक है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये दिस इज द मिडिल पीस, इसके बीच में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पाइरल शीट, स्पाइरल शीट की फॉर्म में क्या है प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेंटर से क्या है एक्सियल फिलामेंट पास करता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल मैंने बताया था, यहाँ पर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था यहाँ पर क्या था न्यूक्लियस था बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, और जस्ट पीछे न्यूक्लियस के यहाँ पर प्रोक्सिमल सेंट्रल प्रेजेंट होता है, यहाँ से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोक्सिमल सेंट्रल से होता निकल कर डायरेक्टली टेल 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 के अंदर जाता है, ठीक है। टेल का जो लास्ट हिस्सा उसको छोड़कर यहाँ तक क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट और सेंट्रल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पाइरली अरेंज होता है इन द मिडल पीस इस कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल उसके सेंटर से क्या है एक्सियल फिलामेंट क्या करता है पास करता है, ठीक है बेटा। अब साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म की बात करें ज्यादातर साइटोप्लाज्म हमारा शेड होता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल बॉडीज नोन एज रिनोड, ठीक है। ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है इट शेड एज ए रेजिडुअल बॉडीज ऑफ रिनोड और मे बी इंगल्ड बाय द और एब्जॉर्ब बाय द सर्टोलाइट सेल्स, सर्टोलाइट सेल्स के द्वारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ये परसिस्ट करती हैं किसके अंदर बेटा, स्पर्म्स के अंदर, मेनली हम बात करेंगे हेड वाला रीजन के अंदर, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है परसिस्ट करती हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है
स्पर्म और एग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या करती है, स्पर्म और एग रिकॉग्निशन, स्पर्म और एग के बीच में रिकॉग्निशन का काम करती हैं, ठीक है, स्पर्म और एग के बाइंडिंग का काम करती हैं, और स्पर्म एंड एग के फ्यूजन का काम करती हैं, ठीक है। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं, तीन काम करती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म एग रिकॉग्निशन में काम करती हैं, स्पर्म एग बाइंडिंग का काम करती हैं, और स्पर्म और एग के फ्यूजन का काम करती हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर इवेंट्स इन स्पर्मियोजेनेसिस एंड वेरियस प्रोसेसेस इन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इट इज स्टार्टेड, जब कब स्टार्ट होती है, इट इज स्टार्टेड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द गोनेडोट्रॉपिक, जीएनआरएस का जो हार्मोन का, जीएनआरएस का जब लेवल बढ़ जाता है, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि सिक्रीट किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब ये जीएनआरएस बढ़ने के कारण क्या करता है, ये क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, और ये सिक्रीट करने का काम करता है, एलएच को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, और एफएसएस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एलएच को सिक्रीट करने में हेल्प करता है और एफएसएस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। अब एलएच को हम किस नाम से भी जानते हैं, इन द केस ऑफ मेल्स इसको हम ICCH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा तो ये जो एफएसएच होते हैं, एफएसएच जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सर्टोलाइज सेल्स के ऊपर, और प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, और ये दो तरह के फर्दर क्या है, पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन कौन से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड इनहिबिन। अब ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो बना है, ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन बना था बाय द लीडिंग सेल्स, उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर उस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने का काम करता है, वहां पर इकट्ठा करने का काम करता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो वहां से क्या है, फिर जो प्रोसेस होता है हमारा, किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजून्स स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ, अगर टेस्टोस्टेरोन वहां पर हो जाता है, तो इनहिबिन वहां पर एक प्रोटीन बनी है, एक पॉलीपेप्टाइड बनी है, ये टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है उसको रोक देती है, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को रोक देती है, ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो एबीपी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इट कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनहिबिन सुप्रेस द एफएसएच सिंथेसिस, जो कि फर्दर क्या करती है, जो कंसंट्रेशन है बढ़ाने का, जो कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन का इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो बंद हो जाता है, ठीक है बेटा, इनहिबिन का ये काम होता है। एफएसएच की बात करें, इट एक्ट्स ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करती है, टू एक्ट्स ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में होता है। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है, जो वन स्पर्मेटोगोनिया में प्रोड्यूस फोर स्पर्म्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस द फोर स्पर्म, इस बात को नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एज पर द नीट, ठीक है। स्पर्म्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर क्या रिस्टोर रहता है इन द जायगोट, इट मेंटेन्स द क्रोमोजोम नंबर ऑफ द स्पीसीज, ठीक है भाई। जो हाफ जो क्रोमोजोम नंबर होता है स्पर्म में, हाफ हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, दोबारा से क्या है, डिप्लॉयड हो जाता है, जो कि क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है क्रोमोजोम नंबर इन द स्पीसीज के अंदर, ठीक है। जो ड्यूरिंग म्यूसिस वन होती है, इसके अंदर क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है, इसके कारण वहां पर क्या है, वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। म्यूसिस वन के अंदर क्या हमें देखने को मिलती है, जो होती है म्यूसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण वहां पर क्या हमें वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इट अकर्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, थस इट सपोर्ट्स द एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। काफी सारे जो जीव जीव हैं, उनके अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनके अंदर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलती है, जिससे कि एविडेंस प्रोवाइड करता है कि इनके बीच में क्या कोई ना कोई एक बेसिक रिलेशनशिप प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हम बात करेंगे अब इसके बारे में,
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम जो स्पर्म्स होते हैं ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स रिमेन अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम फ्रॉम 24 to 48 आवर आफ्टर हैविंग बीन रिलीज इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक, ठीक है भाई। स्पर्म्स के रिलीज होने के बाद इनके पास 24 to 48 आवर्स से क्या होते हैं, वायबिलिटी का, इनके अंदर क्या होता है, वायबिलिटी होती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली बड़े ख़त्म हो जाते हैं, दे डिजनरेट, दे डिसइंटीग्रेट। जो वायबिलिटी होती है स्पर्म्स की बॉडी से रिलीज होने के बाद, मेल बॉडी से रिलीज होने के बाद, वो 24 से 48 घंटे की होती है। अगर इस दौरान अगर वो फर्टिलाइज कर सकते हैं किसको, एग को फर्टिलाइज करने के अंदर एबिलिटी होती है। अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करें, मेमल स्पर्म की बात करें, तो तीन हिस्से हमें क्या है, चार हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा, हेड है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, और आखिरी में क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। तो जो टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है मेमेलियन स्पर्म का, उसके अंदर चार हमें के पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा हेड होता है। अगर हम हेड के बारे में बात करें, सबसे एंटीरियर हिस्सा होता है जो हेड का, वो बना होता है एक्रोसोम का, और पोस्टीरियर जो हिस्सा था उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेड के अंदर सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें एक्रोसोम देखने को मिलता है, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है हेड का, उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। एक्रोसोम को जिसे हम गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं, इस बात पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये नीट के अंदर या जो एम्स के एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो एक्रोसोम का दूसरा नाम क्या है, या गैलिया कैपिटिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम होता है, इसे गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं, जो कि बना होता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। जो स्पर्मेटिड होता है उसके अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उससे क्या है, एक्रोसोम बनता है, ठीक है, जो हेड के अंदर जो प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हियालुरोनिडेज प्रोटीओलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहलाते हैं स्पर्म लाइसिन, ठीक है, जिन्हें हम क्या स्पर्म लाइसिन के नाम से भी जानते हैं, जो क्या काम करते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्म लाइसिन होते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं एग के साथ, और एग के अंदर पेंट्रेट करने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो जो स्पर्म लाइसिन होती हैं, जो ये इंजाइम है, जो एक्रोसोम है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस जो ओवियम की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको पेंट्रेट करने का काम करता है, उनके अंदर छेद करने का काम करता है, जिसके चलते क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, मेल जो न्यूक्लियस है उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनसाइड द फीमेल ओवियम, ठीक है, फीमेल एग, क्लियर बेटा। ये एक्रोसोम का दूसरा नाम क्या है, गैलिया कैपिटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म को पेंट्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। बात करें सेकंड नेक की, बात करें नेक की बात करें, ठीक है, वेरी शॉर्ट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड मिडल पीस, मिडल पीस और हेड के बीच का जो हिस्सा होता है उससे कहते हैं नेक कहते हैं। इसके पास क्या होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रल प्रेजेंट होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस, विच प्लेज ए रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट एंड द डिस्टल सेंट्रियोल, विच गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रल होता है नेक के अंदर, वो क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है ओवियम की, उस दौरान जो ओवियम होता है, जैसे मैंने पढ़ा था कि वो सेकेंडरी जो जो स्पर्मेटोसाइट है, सॉरी गैमेटोसाइट है, यानी कि जो ओवियम है वो मियोसिस टू के अंदर जो जो फेज है मेटाफेज टू के अंदर प्रेजेंट होता है, फर्दर उसकी डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। उस दौरान क्या करता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन सेंट्रल होता है उस मेटाफेज टू को कंप्लीट करने में का काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन सेंट्रल होता है ये क्या एंटर कर जाता है किसके अंदर, ओवियम के अंदर। तो उस दौरान क्या करता है, जो ओवियम है जो मेटाफेज टू के अंदर प्रेजेंट है, फर्दर उसकी डिविजन नहीं होती है क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये सेंट्रियोल कौन प्रोवाइड करता है, ये सेंट्रियोल स्पर्म प्रोवाइड करता है। इस बात को नोट डाउन कर लेना कि जब तक स्पर्म सेंट्रल प्रोवाइड नहीं करेगा तो ओवियम का फर्दर डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ओवियम के पास सेंट्रल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए फर्दर उसकी डिवीजन नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें मिडल पीस की, बात करें मिडल पीस जो होता है, मिडल पीस के अंदर हमें मेनली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है, विच कॉइल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, सेंटर में एक्सियल फिलामेंट है, उसके चारों तरफ क्या आपको क्या है, स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने को मिलेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया जो मेन काम होता है प्रोवाइड द एनर्जी टू द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को मूवमेंट करने में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे हम जो मिडल पीस है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर से कहते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, मिडल पीस को हम पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, जो मिडल पीस होता है एट द एंड ऑफ द मिडल पीस देर इज अ रिंग सेंटर प्रेजेंट इज नोन एज एनुलस, एक रिंग एनुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर बेटा, रिंग एनुलस प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द मिडल पीस जिसे हम कहते हैं एनुलस कहते हैं। ठीक है, इसका अभी तक को हमें को फंक्शंस के बारे में क्लियर नोन नहीं है, हमें इसका फंक्शन अभी तक बेटा हमें क्या है नोन नहीं, इसका कि रिंग सेंट्रल का एनुलस का फंक्शन क्या होता है। जो पोस्टर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस का, जैसे कि नेक, पोस्टर हाफ ऑफ नेक न्यूक्लियस, नेक एंड मिडिल पीस ऑफ स्पर्म आर कवर्ड बाय द शीथ कॉल्ड मेंटिड। ठीक है, यानी कि जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है न्यूक्लियस का, फिर नेक की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मिडिल पीस की, ये कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ शीथ, उस शीथ का नाम क्या होता है, उस शीथ को कहते हैं मेनचीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेनचीट कहते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक याद रहेगा। और जो एक्सियल फिलामेंट होता है बेटा, वो एक्सियल फिलामेंट का जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट किससे होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। किससे होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। ठीक है, लास्ट और जो फोर्थ पार्ट हमारा किसका, टेल, टेल काफी लंबी होती है एज कंपेयर टू द हेड। ठीक है, इससे ज्यादातर जो पार्ट होता है इट इज कवर्ड, ज्यादातर पार्ट के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा एक्सियल फिलामेंट के द्वारा देखने को मिलेगा, और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ क्या देखने को, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है आपको? साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। जो एंड होता है जहां पर कोई भी एक्सियल फिलामेंट नहीं होता है उसे कहते हैं एंड पीस, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली नेक्ड फिलामेंट अलोन, जिसके पास क्या था, नेक्ड फिलामेंट होता है, वहां पर कोई भी साइटोप्लाज्म हमें देखने को नहीं मिलता है, उसे कहते हैं एंड पीस। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है जो टेल का, उसे उसको मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम, इट हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम इनसाइड अ फ्लूइड मीडियम, इनसाइड अ फ्लूइड मीडियम और इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, सबसे आगे एक एक्रोसोम नजर आ रहा है आपको फिगर के अंदर, इसके चारों तरफ क्या आपको एक कवरिंग देखने को मिल रही है यहाँ तक। ठीक है, ये जो कवरिंग दिख रही है आपको यहाँ तक, ये कहलाती है मेनचीट, इसे क्या कहता हमने, मेनचीट का था। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएंगे इसके अंदर आपको। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नजर आएंगे इसके अंदर, क्या अंदर प्रेजेंट आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका हेड वाला रीजन होगा यहाँ तक वाला, और ये छोटा सा हिस्सा आपका क्या, नेक वाला हिस्सा है, जहाँ पर आपको इधर मिलेगा प्रोक्सिमल सेंट्रल आपको देखने को मिलेगा, और प्रोक्सिमल सेंट्रल जस्ट पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा डिस्टल सेंट्रल, जहाँ से क्या है ये एक्सियल फिलामेंट, ये एक्सियल फिलामेंट का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है आपको, स्पेरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज देखने को मिल रहा है, और जो मिडल पीस का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर आपको एक रिंग ऑफ सेंट्रल नजर आएगा, इसे कहते हैं एनुलस कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एनुलस कहते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर का काफी सारे आपको क्या है डिफरेंट फिलामेंट्स आपको नजर आएंगे, काफी सारे फिलामेंट्स आपको नजर आते हैं काफी सारे। ठीक है, जैसे कि 9+2 पैटर्न में आपको फिलामेंट नजर आएंगे। ठीक है, फिलामेंट्स आपको नजर आते हैं एक्सियल फिलामेंट का, 9+2 फैशन, 9+2 फिब्रिल्स। ठीक है, और जो एंड पार्ट आपका टेल का जो ये किस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कहलाती है टेल, और टेल का जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्म आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ अकेला फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं एंड्रिस। ठीक है, और यहाँ तक आपका जो टेल का हिस्सा है इसके पास क्या देखने को मिलता है आपको, जो एक्सियल फिलामेंट है इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, इसे कहते हैं फाइब्रोसिथ, बाहर की कवरिंग से कहते हैं फाइब्रोसिथ है कवरिंग इसकी। क्लियर बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, एक्रोसोम देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस है, हेड वाला रीजन है। ठीक है, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, नेक छोटी सी नेक होती है, नेक के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है आपका एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, मिडल पीस के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, टेल के अंदर आपको क्या है आपको जो जो एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और
जो एक्सिल फिलामेंट है टेल के अंदर कुछ पोर्शन के अंदर आपको क्या है, ये साइटोप्लाज्म द्वारा कवर्ड होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है जो टेल का, जिसके अंदर जिसके चारों तरफ आपको कोई भी साइटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं एंड पीस। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर एक बात और नोट डाउन कर लेना, बार बार बता रहा हूँ मैं, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियल होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर हेड के अंदर, वो क्या करता है बेटा, जो ओवियम होता है वो म्यूसिस टू स्टेज के अंदर होता है, उसको फर्दर क्या डिवाइड करने में हेल्प करता है, उसकी म्यूसिस टू को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है, मेच्योर एग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऊजेनेसिस के बारे में, कि ऊजेनेसिस होती क्या है, कौन कौन सी उसके अंदर फेजेस होती है। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज का लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।